माननीय मुख्यमंत्री जी की रिव्यू हुई थी हाल में पुलिस से संबंधित। उसके बाद जो निर्देश मिली है, जो पाई गई है पुलिस मुख्यालय से समीक्षा, उसको कम्युनिकेट किया जा रहा था सभी फील्ड फॉर्मेशन को। फील्ड फॉर्मेशन मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट के एसपी थे, रेलवे एसपी और सभी डीएसपी भी थे, डीआईजी आईजी। तो उनको कम्युनिकेट किया गया है कि क्या उनसे एक्सपेक्टेड है, क्या क्या मापदंड है, किस चीज़ पर जोड़ है, किस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है। ये सभी डीजी साहब के अंदर जो पुलिस मुख्यालय में सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडीजी सीआईडी, एडीजी स्पेशल ब्रांच, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी ऑपरेशन, एडीजी मॉडर्नाइजेशन, सबकी जो बिंदुओं थी वो स्पष्ट है। उसमें सुधार लाने की क्या-क्या कार्रवाई करनी है, यही निर्देश आज दिया जा रहा था। और उनको पॉइंट आउट किया जा रहा था, प्रेजेंटेशन था पुलिस मुख्यालय का अपराध के संबंध में। दो तीन जिला स्पष्ट रूप से अपराध बढ़ी है, ये डाटा भी बताता है, स्टैटिस्टिक्स जो केस दर्ज हुए हैं उसे स्पष्ट है। पटना जिला, वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर जिला, 30% अपराध का अभी तक जो पहला 4 महीना में अपराध हुई है, मेजर हेड्स मर्डर, डकैती, लूट में, यही 3 जिला 30% इसी जिले में हुआ। यहाँ क्या आवश्यकता है इस पर निर्णय हो रही थी। साथ ही साथ ये पाया गया था कि बहुत अत्यधिक कांड अनुसंधान में लंबित, इसमें भी कुछ जिले में बहुत ज़्यादा था, तो उसका भी विश्लेषण बताया गया था जो एडीजी सीआईडी बनाए थे। एडीजी सीआईडी साहब प्रेजेंटेशन जो दिए थे वो मर्डर, लूट, डकैती और अनहेड भी, बर्गलरी भी, साथ ही साथ कौन कौन थाने अफेक्टेड, कितने कांड लंबित हैं, तो जो ये सबको बताया गया कि आपका ये परफॉर्मेंस कमज़ोर है, आप सुधार लाएं, अन्यथा पुलिस मुख्यालय के स्तर से अनुशंसा जाएगी कार्रवाई के लिए। यही आज हुआ था। सर, एक परसेप्शन बन गया है हाल के दिनों में घटनाओं को देखते हुए कि बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये कितनी सच्चाई है इस बात की? सर, जो आंकड़े हैं हम लोग के पास, दरभंगा प्रक्षेत्र, भागलपुर प्रक्षेत्र में मुख्य शीर्ष जो कहते हैं हम लोग, हत्या, डकैती, लूट, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कुछ हद तक घटी भी है। ये बात जरूर है मुजफ्फरपुर और पटना प्रक्षेत्र में, खास के कुछ जिले में, जो जिन जिलों का मैंने नाम लिया, वहाँ बढ़ोतरी हुई है। उसमें भी समीक्षा की गई है किन किन थानों में हुई। ये भी पाया जा रहा है कि अपराधी ज़्यादातर पकड़े जा रहे हैं परंतु बहुत जल्द छूट जा रहे हैं, इसकी भी समीक्षा की गई है कि क्यों छूट रहे हैं, कि अनुसंधानकर्ता क्या साक्ष्य जुटा रहे हैं, क्या समय पर चार्जशीट दे रहे हैं, पुलिस पेपर दे के ट्रायल शुरू करवाया जा रहा है या नहीं, ये सब पहलू भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सभी को दबाव दिया गया है कि ये पहलू पर भी जांच करें। बिहार पुलिस मुख्यालय राज्य के नागरिकों को आश्वस्त करेगा कि आप निर्भीक होकर रहें, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस गंभीर है और सदैव रही है। जी बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय जो इधर कुछ जिलों में अपराध बढ़ी है और ये परसेप्शन बनी है कि अपराध बढ़ी हुई है, हम एकदम अडिग हैं कि छुट्टी के दिन में भी बैठ के वो सभी हर पदाधिकारी कार्य करेगा और कोशिश की जाएगी कि जनता से समन्वय बना के अपराध पर रोकथाम किया जाए। साथ ही साथ ये भी अनुरोध है कि ये भी पाया गया है समीक्षा में कि लगभग मर्डर से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट के लिए पुलिस ही जिम्मेवार नहीं है, जब पुलिस पहुंचती है बॉडी उठाने के लिए तो पुलिस पर अटैक हो जाता है। ये उचित नहीं है, जनता को समझना चाहिए कि एक्सीडेंट्स जो हैं, ट्रैफिक जो हैं, वो तीन कारण से मुक्त हम बोल सकते हैं, विश्लेषण उसका कर सकते हैं। एक इंजीनियरिंग, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इन्फोर्समेंट। इंजीनियरिंग कहते हैं कि रोड में अगर वहाँ पर कोई डार्क स्पॉट है या कोई ब्लाइंड एंड है, दूसरा है एजुकेशन, लोग को मालूम नहीं किस तरह से रोड पार करनी है, क्या स्पीड लिमिट है, वो तो घर घर से बच्चे जब तक स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी या कोशिश की जा रही है कि इसकी एजुकेशन शुरू से हो, और तीसरा इन्फोर्समेंट जो पुलिस
विभाग की है कि स्पीडिंग गाड़ियां बहुत से हाईवेज बन गई हैं। अक्सर देखा जा रहा है हाईवेज पर बहुत स्पीडिंग गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होती है। बराबर पटना बाईपास, पटना बख्तियारपुर फोर लेन, मुजफ्फरपुर दरभंगा फोर लेन पर एक्सीडेंट्स हो रही हैं, तो स्पीड गन्स भी लाए गए हैं। और इसके रोकथाम के लिए भी पुलिस, हम जनता को बताना चाहेंगे कि पुलिस एकदम तत्पर है, लगा हुआ है कि ट्रैफिक डेथ्स भी जो बढ़ी है उसमें भी गिरावट आए, और इसमें हम लोग लगातार अब कार्रवाई करेंगे। अपराध के संबंध में अपराधी चिन्हित जरूर हैं, उन पर अब अपराधियों को किस तरह से जेल में रखा जाए, वो छूटे नहीं, इसके लिए योजनाबद्ध तरीका से कार्रवाई की जाएगी।